से लाए, वेद पुराणों से लाए, से करने जन कल्याण। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आचार्य राज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है मानस ज्योतिष ज्ञान। मैं हूँ प्रियंका। उलझने, समस्याएं, परेशानियां, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहा जाता है कि एक जो पहलू है वो है समस्याओं का, उलझनों का, परेशानियों का, और उसका जो दूसरा पहलू है वो है समाधान का, उपाय का और बेहतर ज्ञान का। हमारा उद्देश्य होता है कि आपके जीवन की परेशानियां, आपके जीवन की समस्याओं को बेहतर तरीके से दूर करने का प्रयास किया जाए। और हर बार हम आपको श्री रामचरित मानस की कुछ ऐसी चौपाइयां बताते हैं जिसके ज़रिए आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में सुखद परिवर्तन शुरू होता है। तो एक बार फिर से आपके कष्टों को दूर करने के लिए, आपको बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य श्री रामचरण अनुरागी आचार्य राज मिश्रा जी। तो चलिए आचार्य जी का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है मानस ज्योतिष ज्ञान। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है, जय श्री राम। जय श्री राम। ओम उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेष्करिम सीता नतोहम राम वल्लभाम। बोले श्यावल राम चंद्र महाराज की जय। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम को देखने वाले और सुनने वाले आप सभी दर्शकों पर उनका शुभ आशीर्वाद बना रहे, ताकि आप सभी का जीवन समस्त प्रकार की सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। आप हमारे कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, इन नंबरों के माध्यम से सीधे कार्यक्रम से जुड़िए, कुंडली का विश्लेषण करवाइए। आपकी जो भी समस्या है, हर समस्या का बेहतर समाधान आपको आचार्य जी के माध्यम से प्राप्त होगा। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर आचार्य जी से मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट वाले नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। लगातार अपॉइंटमेंट वाले नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमें किस तरह से प्राप्त हो, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आचार्य जी के माध्यम से, विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तैयार किया गया है श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु श्री राम की शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, आशीर्वाद से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इसे बहुत आसानी से संस्थान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अपनी समस्या के अनुसार इसे सिद्ध करवा के प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। आपको बता दें कि आपके नववर्ष को शुभ और बेहतर बनाने के लिए आचार्य जी के माध्यम से सामूहिक रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है, अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस विषय में भी संस्थान के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि समय बहुत कम है क्योंकि नया वर्ष अब कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आप उस पाठ में शामिल होकर अपने नववर्ष को शुभ और बेहतर बना सकें। आज हम विदेश यात्रा को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हस्तरेखा के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से आप विदेश यात्रा की परिस्थितियों को समझ सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। आचार्य जी आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हस्तरेखा के माध्यम से विदेश यात्रा के योग को कैसे समझें। जी, अगर हम हस्तरेखा से विदेश यात्रा के बारे में समझने का प्रयास करें, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड की एक चौपाई बताना चाहूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चलो हनुमाना। जब हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान करते हैं, वहाँ की चौपाई है, निस्दिन श्रवण करने से और निस्दिन इसका अध्ययन करने से, जप करने से आने वाली हमारी विदेश यात्रा की रुकावटें दूर होती हैं। अगर हम हस्तरेखा के माध्यम से या ज्योतिष के माध्यम से विदेश यात्रा को समझने का प्रयास करें, दो चीज़ें हमेशा होता है। यदि हम पहले जन्म कुंडली पर अध्ययन करके देखें, तो अगर किसी व्यक्ति को
अपने घर में पूरी तरह सुख सुविधाएं मिल रही हूँ, यानी जिस प्रदेश में जिस देश में आपका जन्म हुआ है यदि वहाँ आपको खूब अच्छी सफलता प्राप्त हो रही है तो शायद आप विदेश जाना नहीं चाहेंगे। हर कोई भी व्यक्ति अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है यदि उसको अच्छी सफलता प्राप्त हो रही हो तो, और अगर अच्छी सफलता नहीं प्राप्त हो रही होगी तो ही जातक अपना घर छोड़ करके विदेश जा करके कुछ अर्जन करना चाहता था, घर की परिस्थितियां बेहतर रहे। अगर इस चीज को हमें जन्म कुंडली के माध्यम से समझना है तो हमें विशेष रूप से जन्म कुंडली के चौथे भाव का अध्ययन करना होगा। चौथा भाव हमारा घर होता है, वहां से हमें यह पता चलता है कि हम जहां हमारा जन्म हुआ है वहां की परिस्थिति किस प्रकार रहने वाली है। यदि चौथे भाव का स्वामी या चौथे भाव में पापक ग्रह विराजमान हो, शनि विराजमान हो, मंगल विराजमान हो, राहु केतु विराजमान हो या दसवें भाव विराजमान हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के विदेश जा पाए तो अच्छी बात है, नहीं जा पाए तो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के उसको कार्य अपना जीवन प्रारंभ करना चाहिए जिससे कि उस जातक को सफलता प्राप्त होती है। अपने जहां पर जातक का जन्म हुआ है, जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां पर अच्छी सफलता प्राप्त करना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि विदेश के लिए आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हैं। उसके साथ यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव का स्वामी और नवे भाव का स्वामी दोनों एक साथ होकर के छठे आठवें या बारहवें भाव में जाकर के विराजमान हो तो भी निश्चित रूप से विदेश यात्रा का पूर्ण योग कुंडली के अंतर्गत होता है। आप आराम से विदेश यात्रा करेंगे, अगर प्रयास करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। और जन्म कुंडली कुछ चर्चाओं पर ध्यान देंगे, लेकिन आपने क्योंकि हस्तरेखा संबंधित प्रश्न किया था तो पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूं। जैसा कि आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये हमारी जीवन रेखा है जो, और ये हमारा मणिबंध क्षेत्र कहा जाता है, और ये हमारी चंद्र रेखा है। इन तीनों जगह से विदेश यात्रा की जो रेखाएं हैं वो उत्पन्न होती है। जीवन रेखा से भी विदेश यात्रा के लिए रेखाएं आती हैं, और चंद्र पर्वत से भी आती हैं, और मणिबंध से भी आती हैं। जो रेखाएं विशेष रूप से चंद्र क्षेत्र से प्रारंभ होती हैं वो हमारी विदेश यात्रा की सूचनाएं देती हैं। यदि चंद्र क्षेत्र से आई हुई रेखा होगी तो आपकी विदेश यात्रा की सूचना देगी। अब क्या है कि यदि चंद्र क्षेत्र से कोई लंबी रेखा आई है तो निश्चित रूप से अच्छी एक लंबी विदेश यात्रा आपको देने वाली, जो दूर देश हैं आपके, जहां आप, जहां आपका जन्म हुआ है वहां से जो दूर के देश हैं वहां की यात्राएं आपको प्राप्त होंगी। लेकिन यदि रेखा छोटी है तो निश्चित रूप से आपको दूर देश की यात्राएं ना होकर के जो आपके, जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां से जो नजदीक के देश हैं वहां की यात्राएं आपको कराने वाली होगी। अगर यहां से चंद्र क्षेत्र से निकली हुई रेखा स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो निश्चित रूप से जो आपकी यात्रा होती है वो आपके लिए लाभप्रद होती है, यात्रा निश्चित रूप से होती है। यदि रेखाएं अस्पष्ट ना हो, सही ना हो, तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा में दिक्कतें आती हैं। जैसा कि यदि यहाँ से निकली हुई, जो भी हमारे चंद्र क्षेत्र से निकली हुई रेखा है, यदि वो आ करके यहाँ पर भाग्य रेखा के साथ मिल जाए तो निश्चित रूप से जो हमारी विदेश यात्रा है वो हमारे लिए बहुत लाभ देने वाली होती है। लेकिन यदि वो आकर के यहाँ ना स्पर्श करे तो उस यात्रा से हमें कोई बहुत सुंदर लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब क्या होता है, कई बार बाएं हाथ में तो यात्रा की रेखाएं होती हैं लेकिन दाहिने हाथ में हमारे यात्रा की रेखाएं नहीं होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ, अगर बाएं हाथ पर, यहां ध्यान से देखिएगा, अगर बाएं हाथ पर यहां चंद्र क्षेत्र पर छोटी छोटी रेखाएं हैं जो विदेश यात्रा की हैं, लेकिन जब भी हम दाहिने हाथ को देखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में यहां हमें रेखाएं नजर नहीं आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि जातक का विदेश यात्रा के लिए प्लान बनता है लेकिन विदेश यात्रा हो नहीं पाता है। उसके साथ साथ यदि यहाँ पर जो रेखा निकली है वो रेखा अगर उंगली की तरफ गई है तो भी ऐसी परिस्थिति में विदेश यात्रा निश्चित रूप से होती है। अगर इस तरफ मणिबंध की तरफ आई है तो विदेश यात्रा में दिक्कतें होती हैं। अगर जो यहाँ पर विदेश यात्रा है उस जो रेखा है उस रेखा को दूसरी रेखा आकर के काट रही हो तो एक ही कारण से आपको दो बार विदेश यात्राएं करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनको आप हस्तरेखा के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर इसको हम जन्म कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करें या ज्योतिषीय माध्यम से समझने का प्रयास करें तो भी एक अलग तरीका है, उसके तरीके से हम बेहतर तरीके से। चलिए, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताया उसे प्रयोग में लाइए। जो रुद्राक्ष बताया आप उसे भी बहुत आसानी से संस्थान के
माध्यम से सिद्ध कराकर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आने वाले समय में नववर्ष को शुभ और बेहतर बनाने के लिए रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप शामिल होकर अपने नववर्ष को शुभ और बेहतर बना सकते हैं। इस विषय में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप संस्थान के नंबरों पर संपर्क करते हुए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लगातार ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जन्म कुंडली के जरिए हम विदेश यात्रा के योग की परिस्थिति को कैसे समझें। मैंने सर खैर कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ चीजें आपको बताई थी कि जब भी जन्म कुंडली के का चौथा भाव पीड़ित हो, यानी चौथे भाव में पापक ग्रह विराजमान हो, तो ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से व्यक्ति को विदेश यात्रा का तो योग बनता है। यदि उसके लिए प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से विदेश यात्रा का योग बनेगा। जहां जन्म हुआ यदि वहां जीवन का शुरुआत करेगा तो असफलताएं प्राप्त होंगी। अपने वर्थ प्लेस से दूर जाकर के प्रयास करेगा तो भी सफलताएं प्राप्त। कुछ लोगों का ये मानना है आचार्य जी कि कुंडली का अगर 12वां भाव स्ट्रांग होता है या फिर 12वां भाव की परिस्थितियां अच्छी होती तो विदेश यात्रा की जो भी परिस्थितियां वो तो ज्यादा क्लियर होती है। इस बारे में कितनी सच्चाई है? देखिए, हाँ बिल्कुल सच्चाई है। उसका कारण है, जन्म कुंडली का जो 8वां भाव है वो जल यात्रा का भाव होता है, विदेश यात्रा से संबंधित भाव है। और जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है वो जातक के विदेश को लेकर के हॉस्पिटल का भाव माना जाता है, विदेश का भाव माना जाता है। और उसके साथ साथ 12वां कुछ और चीजों को लेकर के, आंतरिक सुख को लेकर के माना जाता है। यदि जन्म कुंडली स्ट्रांग होना महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म कुंडली का यदि 12वां भाव सशक्त होगा, स्ट्रांग होगा, तो आपको सफलता, जन्म कुंडली का 12वां भाव कहीं ना कहीं प्रसिद्धि भी दिलाता है जातक को, तो प्रसिद्धि दिलाएगा। सशक्त होगा तो सिर्फ प्रसिद्धि दिलाएगा, वो आपको विदेश भेजे इसकी संभावना नहीं है। मान लिया जाता है जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाकर के स्वग्रही मंगल बैठ जाता है या स्वग्रही कोई और ग्रह बृहस्पति बैठ जाता है, तो आपको लोग मानेंगे। राजनैतिक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से देखा जाता है कि यदि राजनेता की कुंडली में 12वें भाव में बृहस्पति इत्यादि उच्च के बैठे हो तो उसको जनता बहुत सम्मान करती है, पूजा करती है। आपने कई राजनेताओं को देखा भी होगा, मैंने कुछ नेताओं की, उनके लिए लोग मरने तक को तैयार हो जाते हैं। तो ये परिस्थितियां होती हैं। लेकिन जब जन्म कुंडली के लग्नेश का संबंध द्वादश भाव से बनेगा, यानी आपके जीवन का संबंध विदेश भाव से बन गया, तब जाकर के आपकी विदेश यात्रा होगी। यदि हम इस चीज को लेकर देखें कि सिर्फ विदेशी भाव सशक्त होगा, द्वादश भाव कुंडली का अच्छा है इसलिए विदेश यात्रा हो, इसकी पॉसिबिलिटी कहीं नहीं। जरूरी है कि आपका जो लग्न है वो कहीं ना कहीं 12वें भाव से अटैच होना चाहिए। हाँ भाई, एक चीज सीधी सी बात है, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर आपका कोई अटैचमेंट होगा विदेश से, कोई व्यक्ति आपका अच्छा विदेश में रहता हो या आपके रिश्तेदार हो या आपके भाई बंधु हो, कोई हो, तब तो आप विदेश जा सकते हैं, तब तो आपकी विदेश यात्रा का वो आपको जल्दी बुला लेगा, है नहीं। अगर आपका कोई बाहर है ही नहीं, कोई आपका संपर्क ही बाहर नहीं है, कोई जान पहचान ही बाहर नहीं है, तो आप जाने में बहुत सकुचेंगे और निश्चित रूप से शायद वो यात्रा बड़ी मुश्किल से होगी। तो यदि जन्म लग्नेश का संबंध द्वादश भाव से बनेगा तब जा करके जातक की विदेश यात्रा होगी, अन्यथा अगर सिर्फ द्वादश भाव सशक्त हो विदेश यात्रा हो, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो लग्नेश का बेहतर होना और द्वादश भाव से उसका संबंध होना कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग को दर्शाता है। लेकिन उसके लिए और भी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसका विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। इस योग पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, स्वागत करते हैं। जय श्री राम, नाम बताएं। हेलो, जय श्री राम, आप हमारे साथ जुड़ चुके, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा मिश्रा है, मैं कानपुर से हूँ जी। अपनी बात रखिए पूजा जी, आचार्य जी के सामने। हेलो। हाँ जी, मेरा आचार्य जी, राम राम। जय श्री राम पूजा जी, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ आचार्य जी, आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जी। मैं आपसे अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या नाम है बच्चे का? बेटे का नाम है रजत कुमार मिश्रा। डेट ऑफ बर्थ बताइए रजत जी का। उसका 16/7/1991 16 जुलाई 1991। टाइम बताइए प्लीज। इलाहाबाद का जन्म है इसका। टाइम है सवेरे का 6:24। सुबह 6:24। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है जी। जी जी, क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? पंडित जी, हम इसके कैरियर के विषय में जानना चाहते हैं। हमारे पति का व्यवसाय है लेदर का। अच्छा। और बच्चा भी मतलब उसी में जुड़ा हुआ है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इसका मन होता है कि हम नौकरी करें, कहीं ये करें, और थोड़ा सा उसके शादी को लेके भी चिंतित हूँ। इसका विवाह कब तक होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि वर्तमान समय में तो बच्चे की जो दशा चल रही है वो राहु की चल रही है, और राहु के अंदर वर्तमान परिस्थिति में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। बृहस्पति खैर इस कुंडली के अंतर्गत उच्चस्थ होकर के विराजमान है। शुरुआत इसकी 2016 अक्टूबर के अंतर्गत हुई है। आपने दो चीजों को लेकर कहा कि इसका भविष्य कैसा रहेगा और
शादी को लेकर के आप परेशान हैं। शादी को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसकी शादी अभी नहीं होने वाली है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। शादी करीब करीब 2019 में होने वाली है, 2019 की स्टार्टिंग में, यानी 2018 में आपके लड़के के लिए आपको रिश्ता प्राप्त हो जाएगा और 2019 के स्टार्टिंग में मई से पहले पहले आपके बच्चे की शादी हो जाएगी। आपके बच्चे की शादी आपके घर से दक्षिण दिशा में घर के नज़दीक ही होने वाली है। सांवले रंग की पत्नी प्राप्त होगी, लंबे कद की पत्नी प्राप्त होगी। जब भी शनि सप्तम भाव के अंतर्गत होता है या सप्तमेश होता है तो ऐसी परिस्थितियां होती है कि जिस प्रकार का जीवन साथी हम ढूंढ रहे होते हैं उस प्रकार का जीवन साथी मिलने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शनि शादी के लिए थोड़ा परेशान करता है। आप लोग परेशान नहीं होइएगा ज़्यादा, हर चीज़ एक समय निर्धारित है हर चीज के होने का। प्रयास जरूर कार्य के लिए करना चाहिए लेकिन उस कार्य को लेकर के ना हो तो परमात्मा पर छोड़ना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, 2019 में इस बच्चे की शादी निश्चित रूप से होगी, घर से दक्षिण दिशा में होगी, घर के नजदीक होगी। वैवाहिक जीवन शनि चूंकि स्वग्रही है थोड़े दिन कष्टप्रद रहेगा, थोड़े दिन दोनों की अनबन रहेगी लेकिन थोड़े दिन यदि करीब साल भर का समय होगा, आप लोग सामंजस्य बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। साल भर के बाद जो वैवाहिक जीवन है वो इस बच्चे का बहुत बेहतर हो जाएगा। शादी भी आपके घर से बड़े घर में जाकर के होगी बच्चे का। अब दूसरी चीज आपने पूछा था कि ये पिता के साथ शायद हाथ बटाता है, पिता के कार्य में हाथ बटाता है, ये बहुत अच्छी बात है। जन्म कुंडली के दशम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल जाकर के विराजमान है, यानी दूसरा भाव कुटुंब भाव। यदि दशमेश द्वितीय भाव में विराजमान है, पिता के व्यवसाय को ही बच्चा आगे बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से इस बच्चे को अच्छी सफलता प्राप्त होगी। एक और चीज जो इस कुंडली की कमी है व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए, हमने शायद कुछ कार्यक्रम में इस चीज को लेकर के बात भी किया था कि यदि व्यवसाय कैसे लोग करते हैं या व्यवसायिक परिस्थितियां कैसी होती, इसका जो केंद्र है वो चर लग्न से भरपूर है। जो जातक चर लग्न के होते हैं उनकी एक परिस्थिति होती है कि ये लंबी दूरी तैयार नहीं करते हैं, उनके व्यापार को लेकर के जो उनकी योजनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। पिता के साथ है, पिता को बोलिए इसको व्यापार का अच्छा ज्ञान दें तो बच्चा आगे जा करके एक अच्छा व्यापारी बन करके अपने जीवन को बेहतर तरीके से व्यतीत कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। बच्चे को बोल दीजिएगा श्री रामचरितमानस के अंतर्गत लंका कांड में दोहा नंबर 110 से 111 है, नियमित रूप से ये उसका पाठ किया करेगा तो जीवन में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी, किसी प्रकार की रुकावटें नहीं होंगी। अगर नहीं कर पाता है तो दो चीज कीजिएगा, एक मोती साउथ सी मोती करके आता है उसको लेकर के 6.25 रत्ती का और एक मूंगा 6.25 रत्ती का लेकर के दोनों इस बच्चे को श्री रामचरितमानस के माध्यम से सिद्धिकरण करा के धारण करा दीजिएगा। भगवान के आशीर्वाद से आपका बच्चा जीवन में बहुत उन्नति करेगा, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। चलिए तो आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताए अगर आप उसे प्रयोग में लाती हैं आपके बच्चे के भविष्य में जो भी दिक्कतें आपको दिखाई दे रही वो दिक्कतें बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। ज़्यादा डिटेल में अगर आप चर्चा करना चाहती हैं तो संस्थान के नंबर पर कॉल करते हुए अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकती हैं, फ़ोन पर भी आप बेहतर तरीके से सलाह प्राप्त कर सकती हैं। सिद्धि के रत्न सिद्धि के और रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे संस्थान के माध्यम से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि नववर्ष को शुभ और बेहतर बनाने के लिए रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं या फिर उसका हिस्सा बन सकते हैं। सारी जानकारी आप इन संस्थान के नंबरों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, अगर विदेश यात्रा के योग में कोई दिक्कत आ रहा हो, कोई परेशानी आ रही हो, खासतौर से कई लोग ऐसे होते हैं जो विदेश यात्रा एक बार गए फिर चले जाते, मतलब स्टेबल नहीं हो पाते हैं, आना जाना लगा रहता है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि विदेश यात्रा में दिक्कत आ क्यों रही। मैंने शायद कार्यक्रम के स्टार्टिंग में बताया है कि यदि हमारे यहाँ पर यात्रा रेखा हो, यहाँ पर हमारे बाएं हाथ में हमारी यात्रा रेखा बनी हो चंद्र क्षेत्र पर और उसके साथ दाहिने हाथ में यात्रा रेखा ना बनी हो तो ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से हमें विदेश यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विदेश यात्रा के लिए प्लान बनता है और फिर हम नहीं जा पाते। उसी प्रकार यदि जन्म लग्नेश
जन्म कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो या चौथे भाव का स्वामी जन्म के लग्न में जाकर के विराजमान हो, तो ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत विदेश यात्रा करना मुश्किल होता है। यहाँ पर पहले तो ग्रह की परिस्थिति को देखना चाहिए, कौन सा प्लैनेट है जो विदेश यात्रा को लेकर रुकावट डाल रहा है, उसके अनुसार उपाय किया जाएगा तो निश्चित रूप से विदेश यात्रा हमारी अच्छी तरीके से हो पाएगी। ये कह सकते हैं आचार्य जी कि कहीं ना कहीं अगर कोई स्टेबल नहीं हो पा रहा है, जाता है चला आता है और उसे चाहिए कि स्टेबल होकर वो विदेश में यात्रा करे या फिर उसके जो जॉब है या फिर जो भी चीजें वो करना चाहता है वो स्टेबल होकर करे, तो उसके लिए उपायों का होना बेहद जरूरी है। उपाय के बारे में आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर है, स्वागत करते हैं। जय श्री राम, नाम बताएं। हाँ जी नमस्कार, नाम बताइए जी। मेरा नाम प्रकाश जोशी है। अपनी बात रखिए प्रकाश जी। हेलो आचार्य जी, प्रणाम। जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप? बिल्कुल आचार्य जी, अब मतलब कैसा होगा, मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ क्योंकि आपसे मेरी बात हो गई, बस ये मेरे को बहुत बड़ी बात है। दरअसल मैं अभी आपसे पिछले साल मिला था, जब आप मुंबई में अपना वो दौरा किया था आपने, तो मैं मुंबई में आपसे मिला था जी। धन्यवाद। हाँ आचार्य, मैं प्रकाश जोशी बात कर रहा हूँ। इस समय मैं सीए हूँ, अभी इसी साल मेरी सीए कंप्लीट हुई है। और जब से मैंने वो आपको मानस सिद्ध कवच धारण किया है, मैं लगभग ये मान के चलिए 3 साल से मेरी सीए कंप्लीट नहीं हो रही थी। मतलब ऐसे डिप्रेशन में चला गया था और फिर मैंने आपके पास आया था, तो आपने मेरे को जो उपाय बताया ना, वास्तव में मेरी सीए कंप्लीट हो गई और मैं बहुत खुश हुआ। चलिए बस आचार्य जी एक कृपा और चाहिए, मैं अपने परिवार के साथ आपके पास आना चाहता हूँ, एक बार आपके दर्शन करना चाहता हूँ और खुशी को आपसे बांटना चाहता हूँ। तो मैंने सुना है कि नववर्ष का यज्ञ होने जा रहा है, महायज्ञ। जी बिल्कुल। हाँ तो मैं उसमें आना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं है कि किस तरीके से आना है, क्योंकि समय आपसे मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। जी ऐसा बिल्कुल, हम लोग एक पारिवारिक लोग हैं, जो भी आप लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, हम लोग एक पारिवारिक लोग हैं। कभी भी मेरे से मिलना, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा मिलना आप लोगों से मुश्किल हो, मैं सदैव चाहता हूं कि आप लोगों से आसानी से मुलाकात कर पाऊं, लेकिन एक कारण है, थोड़ा सा समय अभाव के कारण मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपने भगवान राम का शुभ आशीर्वाद धारण किया है, श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण किया है, आपकी प्रसन्नता फोन के माध्यम से ही सुनाई दे रही थी। मुझे भगवान से बहुत प्रार्थना करता हूं मैं आपके लिए कि आपका जीवन बेहतर रहे। आप 9 वर्ष में एक यज्ञ का प्रारंभ किया जा रहा है, उसके साथ यज्ञ बहुत जल्दी होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाएगा, शायद उसमें सम्मिलित होना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन 31 तारीख से लेकर के और 1 तारीख तक जो हमारा नववर्ष का आगमन होता है, उसका स्वागत हम श्री रामचरित्र मानस के अखंड पाठ के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि उसमें आप सम्मिलित तो होना चाहते हैं, तो आप 1 तारीख को या 31 तारीख को संस्थान में आकर के श्री रामचरित्र मानस पाठ में सम्मिलित तो हो सकते हैं। 9 वर्ष पर आपने श्री रामचरित्र मानस सिद्ध कवच को लेकर के चर्चा किया है, तो आपको बता दूं कि 9 वर्ष पर श्री रामचरित्र मानस सिद्ध कवच की भी विशेष रूप से सिद्धि की जा रही है। उसके साथ यदि किसी भी तक को अपना नया वर्ष का फल चाहिए कि मेरा 2018 किस प्रकार रहने वाला है, तो वर्ष फल भी उसी दिन उसका सिद्धिकरण करके तैयार करके दिया जा रहा है। तो आप यदि संस्थान में आकर के मिलना चाहते हैं, संस्थान का नंबर आपके सामने है, आप वहां पर एक फोन कर लीजिए, मुझे प्रसन्नता होगी आपसे मेरी मुलाकात होगी, वहां से फोन करके एक समय आप प्राप्त कर लीजिएगा, निश्चित रूप से मुलाकात करूंगा। भगवान राम के आशीर्वाद से आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। चलिए तो हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप लगातार जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी, विदेश यात्रा में अगर रुकावट हो, परेशानी हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो किस उपाय के माध्यम से, किस तरीके से हम इसे दूर कर सकते हैं? क्या श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच भी हमें सहायता प्रदान करता है? जी बिल्कुल, श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि ग्रह की परिस्थिति को जरूर जानिए, एक दवाई कभी भी किसी व्यक्ति को काम नहीं करती, इसी कारण से श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच एक साथ तैयार करके पहले आपसे आपकी पूरी डिटेल्स को लिया जाता है, आपकी पूरी जानकारी को प्राप्त की जाती है कि कौन सा ग्रह आपका पीड़ित है, कौन सा ग्रह आपका खराब है, जिस कारण से आपकी विदेश यात्रा नहीं हो पा रही है। उसके बाद जाकर के श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को आपके ग्रह के अनुसार श्री रामचरितमानस की निकाली जाती हैं और फिर उनको भोजपत्र पर अंकित करके और फिर उनका अलग तरीके से सिद्धिकरण करके आपको दिया जाता है। जो ग्रह आपके विदेश यात्रा में रुकावट डाल रहा है, यदि उस ग्रह को
पूरी तरह अनुकूल बना लिया जाए तो निश्चित रूप से विदेश यात्रा की जो दिक्कतें हैं वो हमारी दूर हो जाती हैं। तो मेरी राय होगी सभी को कि सबसे पहले अपने ग्रह की परिस्थिति को पहचान करके, अगर जन्म कुंडली नहीं है तो भी आप अच्छी तरह अपनी बातों को रख करके जान सकते हैं, उसके बाद यदि श्रीरामचरितमानस सिद्ध कवच धारण करते हैं तो निश्चित रूप से विदेश यात्रा होती है। आचार्य जी, दर्शकों के लिए आज का विशेष उपाय क्या है? आज का जो देवता है, मैंने पहले भी कार्यक्रम में बात किया था कि हम प्रतिदिन के देवता के बारे में बात करेंगे। आज के जो देवता हैं वो इंद्र अग्नि हैं। आज आपको विशेष उपाय क्या करना है जिससे अपने दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आज घर से निकलते वक्त थोड़ा सा कुछ मीठा लेकर के, चाहे गुड़ लेकर के, चीनी लेकर के, कुछ भी लेकर के जलती हुई आग पर डाल करके ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, इस मंत्र को ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा इस मंत्र को बोलते हुए एक बार डाल करके अग्नि पर चले जाना है। निश्चित रूप से आपके विकार नष्ट होंगे, दिन बहुत बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने विशेष उपाय भी बता दिया है। ज्यादा जानकारी किसी भी विषय में चाहते हैं या फिर मिलना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर कॉल करते हुए अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। सिद्ध के रत्नों के बारे में भी आप आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसी भी अपने कुंडली के अनुसार आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, आज हमने विदेश यात्रा पर लेकर चर्चा की, अपने अलग अलग पहलुओं के माध्यम से हमें ज्ञान देने का प्रयास किया, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला हर दिन शुभ हो, बेहतर हो, मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ हमें दे आज्ञा। जय श्री राम। आचार्य राज मिश्रा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है मानस ज्योतिष संस्थान, A250 शिवालिक मालवीय नगर, नई दिल्ली 110017। फोन नंबर्स हैं 0888247 3473।